नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSSC PET का आपका एग्जाम हुआ फाइनली। आपको पता है आपके आंसर की कल शाम 9 बजे के आसपास आपके आंसर की अपलोड कर दी गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। लेकिन मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया था रात को ही वीडियो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा काफ़ी कैंडिडेट कमेंट भी हैं और काफ़ी कैंडिडेट के डाउट भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, UPSSC PET की यानी कि आपको जो यानी कि ए सेट था उसमें मास्टर आंसर की दे रखी है, और देखिए अब आपके मन में डाउट है कि मास्टर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड किया जाए, तो देखिए उसका ए सेट है, तो ए सेट आपको देखना है। अब वो कहाँ से मिलेगा आपको वो भी मैं बताऊंगा। मान लो जो भी कैंडिडेट बी जिनका सीरीज बी था CDEFGH जहाँ एच तक जितने भी कैंडिडेट थे, ए वाले तो आसानी से देख पाएंगे, लेकिन BCDEFGH वाले कैसे देखेंगे उसका भी सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहाँ से आप सभी के लिए सभी बुकलेट सीरीज आपको मिलने वाली है ये भी बताऊंगा, और मास्टर आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करनी है, किस प्रकार से देखनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी आपका डाउट रह पाएगा। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो के साथ अंत तक बनिएगा। और दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप आंसर की देख रहे हैं तो देखिए मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूँ कि जो आपकी आंसर की मास्टर आंसर की जो अपलोड करी गई है वो आपकी जो लास्ट डेट है उसकी यानी कि आप जब चेक कर पाएंगे वो यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, यानी कि 7th of September 2021 यानी कि 7 सितंबर तक आप देख पाएंगे, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट को मैं पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि पता चल जाए अगर बाद में वीडियो देखते हैं तो उनको दिक्कत रहती है, ठीक है। और अपना क्वेश्चन बुकलेट की जो सीरीज होती है, जैसे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में डी थी या ई एफ जी जो भी थी, वो अपनी आंसर की यानी कि क्वेश्चन सीरीज आप कब तक डाउनलोड कर पाएंगे, 4 तारीख तक, मीन्स 4th of September 2021 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आप सभी के लिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। जब आप प्रिंस एजुकेशन पॉइंट जब आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना होगा, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, काफ़ी कैंडिडेट देखिए मैंने वीडियो तो कल भी बना दी थी लेकिन देख नहीं पा रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट को, मुझे पता है दिक्कत है। अब देखिए अगर सभी कैंडिडेट आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आंसर की तो देखिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक PDF ओपन भेज दिया है। इस PDF को आप ओपन करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। अब हम मान लो इस PDF को हम ओपन भी कर लेते हैं, ठीक है। जिनका ए सेट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जिनका ए सेट है यहाँ पे देख सकते हैं, ए सेट वालों की यहाँ पे आंसर की दे रखी है कि जिनका ए सेट था वो अपना आसानी से देख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले भी और सेकंड शिफ्ट वाले भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत आती है कि मुझे अपना क्वेश्चन का जो सीरीज था वो कैसे देखना होगा। तो देखिए मास्टर आंसर की तो आपने देख ली, मास्टर बुकलेट सीरीज आप कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो लिंक यानी दो PDF है इनकी फॉरवर्ड कर रखे हैं जो कि ए शिफ्ट वालों के हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पे ए जो शिफ्ट था उनका ए सीरीज था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए वाले वो अपना देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी देखिए सेकंड शिफ्ट का ए वालों का यहाँ से। अब बात करते हैं देखिए कल जो BCDEFG था उनको वो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे दो लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल पर जब जाएंगे तो यहाँ पे दो लिंक मिलेंगे आप सभी के सामने। ये पहले शिफ्ट का लिंक है ऊपर वाला, ठीक है। जो भी अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट में, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँ, जैसे पहले शिफ्ट का ये है और दूसरे शिफ्ट का ये है आप सभी के लिए लिंक, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डाउनलोड करनी है, जो भी आपकी बुकलेट सीरीज थी, मान लो फर्स्ट शिफ्ट में डी थी या ई थी या एफ या जी जो भी थी अपना, वो चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है। मान लो मैं आप फर्स्ट शिफ्ट का करके दिखाता हूँ, उसी टाइप से आपको भी देख लेना, फर्स्ट वाले पहले लिंक पर क्लिक करेंगे और सेकंड वाले जो नीचे वाला जो लिंक दे रखा है, मैंने शिफ्ट भी यहाँ पर डाल रखी है इसी वजह से कि सभी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट भी डाल रखी, फर्स्ट वाले पहले पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले सेकंड पे, ठीक है। मान लो फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही देखिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए बोलता है कि PDF ब्राउजर में खोलना चाहते हैं, क्रोम ब्राउजर में, या फिर आप अपना यानी कि उसमें खोलना चाहते हैं ड्राइव में। तो मान लो मैं क्रोम ब्राउजर में इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यहाँ पे आ जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी अगर ए सेट ए है वो यहाँ पे डाउनलोड करेगा, बी वाला यहाँ से डाउनलोड करेगा, सी वाला यहाँ से करेगा, और देखिए डी वाला यहाँ से करेगा, डी वाला ई वाला यहाँ से करेगा, एफ वाला यहाँ से, जी वाला यहाँ से, एच वाला यहाँ से, ठीक है। तो टोटल आपकी एच सीरीज है। एग्जांपल के लिए मान लो मैं डी डाउनलोड करता हूँ आप सभी के सामने, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अगर डी डाउनलोड किया इस टाइप से, ठीक है, डी डाउनलोड कर लिया आप सभी के सामने, इस टाइप से इंटरफेस खुल किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डी आपकी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, डी आ चुकी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। मैंने ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया,
आपका डाउनलोडिंग के लिए बोलेगा और डाउनलोड हो जाएगा कुछ देर में। थोड़ा सा अभी नेट स्लो है तो उसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डाउनलोड ये हो गया इस टाइप से। अब जैसे ही आपका PDF ओपन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट शिफ्ट का डी सीरीज है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो भी आपकी शिफ्ट हो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए सबसे पहले दिक्कत ये आती है सबसे पहले कैंडिडेट को कि पहला क्वेश्चन उसमें तो अलग है, लेकिन ए जो सीरीज दे रखी है उसमें क्वेश्चन अलग है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी से दिया गया, सॉरी यहाँ से दिया गया आपका पैराग्राफ से, और लेकिन वहाँ पे आपका GK से रिलेटेड दिया गया है, तो काफ़ी कैंडिडेट को दिक्कत है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए मैं फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना, ये आपने डाउनलोड कर दिया, सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे, ये देखिए आपको मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए सबसे पहले आपको ए बुकलेट सीरीज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको मैच कर लेनी, मतलब मैं फर्स्ट की इसको ओपन करता हूँ, ये भी ओपन कर ली मैंने ए वाली, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन चेक करने कि इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा था, यानी कि फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ शासन के भारत में शासन करने वाले दिए गए विकल्प शासकों का कार्यकाल सही क्रम क्या है, यहाँ पे ये सही क्रम पूछ रहा है, यानी कि आपको ये लाइन से लगवा रहा है किस क्रम में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान लो ये आपका ए वालों का है, ठीक है। अब मैं डी वाले की तरफ आता हूँ, अब डी वालों का देखेंगे तो डी वालों का तो क्वेश्चन अलग है, तो वो कैसे देख पाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डी वालों के लिए ऐसे ही आप सभी को भी देखना है, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, पढ़ लेंगे भाई, ठीक है, आपका एग्जाम दे के आए आपको पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे हैं, देखिए आपके कुछ और सोच सकता है, कुछ का आपके और कुछ और सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए आपके लिए, देख सकते हैं ना, यहाँ पे भारत, यहाँ पे देखिए 27वां क्वेश्चन दे रखा है, और आपके वो मास्टर की उसमें कौन सा क्वेश्चन है पहला, तो देख सकते हैं आपका 27वां क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन भी देख लेंगे, और कौन सा ऑप्शन है उसको आपको पढ़ भी लेना अच्छी तरह से, और क्या मतलब वहाँ पे टिक बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम जाते हैं आपकी मास्टर की पे, मास्टर की आंसर की। अब मैं मास्टर, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, एक मिनट, ये जैसे कि मैं मास्टर की देखिए आपके ओपन करता हूँ अभी आपके सामने, मास्टर आंसर की देखिए, ठीक है। अब मैंने मास्टर आंसर की यहाँ पे ये दे रखी है, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ओपन किया आप सभी के सामने। अब यहाँ पे देखिए पहले का कौन सा ऑप्शन है, बी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहा है पहले का। तो अब बैक करते हैं, ऐसे ही आपका 3 PDF हो जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत तो थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा, फर्स्ट का बी, जो कि इनका क्या दे रखा, चौथा और तीसरा और पहला दूसरा, मीन्स आपका चौथे में कौन सा, इल्तुतमिश, और उसके बाद कौन सा था आपका, खिलजी, और आपका कौन सा पहला आपका शेरशाह, और उसके बाद अकबर, ठीक है, इसी टाइप से। अब उसके बाद जाते हैं यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन था उसमें, अब आते हैं डी वाले पे, ठीक है, 27वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन विकल्प भी आगे पीछे दे रखे हैं ना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें। सबसे पहले क्या था, इल्तुतमिश, उसके बाद ये, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद अकबर, इसमें ऑप्शन कौन सा, चौथा, चौथा ऑप्शन हो गया, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन कौन सा, चौथे के बाद ये, इसमें डी ऑप्शन दे रखा, उसमें बी ऑप्शन दे रखा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भाई पढ़ना होगा, तभी आप चेक कर पाएंगे। दिक्कत तो मुझे पता है आप सभी को हो रही होगी, लेकिन जब तक आप अच्छी तरह से मैच नहीं करेंगे अच्छी तरह से, तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन बता दिया देख के, इसी टाइप से आपको देख लेना है, कोई टेंशन लेने वाली भाई कोई बात नहीं। 2-3 PDF हैं जो आपको डाउनलोड करने होंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मुझे पता है, लेकिन तीनों PDF अगर अच्छे से आप मैच कर लेंगे और आप उसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार पढ़ लेंगे, ऑप्शन भी इसमें अलग अलग दे रखे हैं। आप ये सोचें कि ए सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन अलग हैं, बी के अलग हैं, सी के अलग हैं, ऐसे ही मतलब अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको देख लेने, भाई देखने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है। अब ये सभी तीनों चीज़ें आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करनी होगी, सबसे पहले आपको आंसर की डाउनलोड करनी होगी, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आंसर की यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके जो भी सीरीज़ है आपकी, वो आपको फर्स्ट शिफ्ट वाले देखिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और सेकंड वाले यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। अब सेकंड वालों, अगर जो भी शिफ्ट है आपकी, जैसे सेकंड वाला है तो सेकंड वाला यहाँ पे क्लिक करेगा, ऐसे ही ओपन, मैंने क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के लिए बोला, और जो भी आपकी शिफ्ट दे रखी है, मीन्स आपकी सीरीज जो भी थी, ए बी जो भी सीरीज़ थी आपकी, ए बी सी डी जो भी थी, वो आपको सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ए फर्स्ट शिफ्ट वालों का यहाँ पे दे रखा है, और सेकंड शिफ्ट वालों का यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन मैच करने होंगे, देखने का तरीका आप सभी का ये रहने वाला है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको देखिए कम्प्लीटली तरीके से बता दिया, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, लेकिन मैंने सभी तरीके, सारे जितने भी तरीके होते हैं देखने का तरीका मैंने अभी आपको समझा दिया है। और बी सी डी ई एफ जी वाले क्वेश्चन पेपर भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख, मैंने आपको अभी बताया, अभी यहाँ पे दो लिंक जो दे रखे हैं उनका जो अगर क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी सॉल्यूशंस मैंने अब आप सभी को बता दिए, आई होप मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ और आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है।
क्वेश्चन देखने का तरीका भी सेम टू सेम यही है, सब कुछ यही है भाई, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको देखना है भाई, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको पूरी तरह से वीडियो समझा पाया हूँ सच में दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रह गया होगा, लेकिन देखिए फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह गया है, देखिएगा आप सभी के लिए मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आपसे कहना चाहूँगा यार, वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों में शेयर कर दो, कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, आपका भाई आप सभी के लिए सबसे पहले अपडेट देता है और दूसरी बात सब हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अगर मेरी हेल्प आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। बाकी दोस्तों यू पेट्रोल सी आगे जो भी अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट जो भी नहीं किया कर लो अभी से। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।